दोस्तों मोहम्मद औरंगजेब हैं पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर, ये गए अमेरिका। वहां पे रिपोर्टर्स ने एक बात पूछी इनसे और इन्होंने झट से भारत के ऊपर एक कमेंट कर। आर्थिक तंगी से बदहाल पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है, भारत से व्यापार शुरू करेगा पाकिस्तान, महंगाई और बाढ़ की वजह से भारत से करेंगे व्यापार। कमेंट ये था कि नो ट्रेड विथ नेबर्स इलॉजिकल, यानी कि इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है, इसमें कोई तथ्य ही नहीं है कि साहब नेबर्स के साथ आप ट्रेड ना करें। नेबर्स के साथ तो आपको ट्रेड करनी ही चाहिए, करनी ही पड़ेगी। चेक एट द कॉन्फिडेंस द इंडियन गवर्नमेंट एंजॉयज इन दिस स्लोगन। मैं तो इसको ऐसे कॉन्फिडेंस जब देखता हूं ना, पाकिस्तान और पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया से ट्रेड जाते हैं, हमें कुछ भी फायदा नहीं हो सकता। पहली बात मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बता दी, इंडिया चाहेगा ही नहीं कर। अब आप कहेंगे कि उन्होंने तो भारत का नाम ही नहीं लिया। तो भाई जब आप नेबर्स की बात करते हैं ना, तो आप समझ लें कि आप बात कर रहे हैं इंडिया की, ठीक है ना। आप समझते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया में अगर नेबर्स का नाम लिया जाएगा तो उसका मतलब हम सारी दुनिया से ट्रेड करते हैं, अपने नेबर्स के साथ तो ट्रेड करनी चाहिए ना। अगर हम चीजें स्पेन से मंगवा रहे हैं, कुछ वेजिटेबल्स उधर आ रही हैं, कुछ इधर आ रही हैं, तो अगर क्रॉस द बॉर्डर आ जाए, हाँ चले आप कह रही हैं जर्मनी से आ रही हैं, तो अगर क्रॉस बॉर्डर आ जाए और कुछ क्रॉस बॉर्डर उनकी हमें उनसे सीखना भी चाहिए। जस्ट अक्रॉस द बॉर्डर उनकी यील्ड्स बेहतर हैं, क्रॉप्स की और चीज़ें बेहतर हैं, वो भी उन्हें सीखना चाहिए। अगर वो आ जाए तो यू नो इट कैन ओनली हेल्प द कंट्री। जब से भारत हटा है इस पूरे ट्रेड और कॉमर्स के मामले, पाकिस्तान से रिश्ते टूटे हैं, चाहे पाकिस्तान नहीं तोड़े हो, भारत को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। पाकिस्तान पनौती है, वो 2019 में पनौती हट गई। मोहम्मद औरंगजेब हैं पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर, ये गए अमरीका IMF के सामने नतमस्तक होने के लिए कि भैया कुछ पैसे और दे दो। वहां पे रिपोर्टर्स ने एक बात पूछी इनसे और इन्होंने झट से भारत के ऊपर एक कमेंट कर दी। कमेंट यह था कि नो ट्रेड विथ नेबर्स इलॉजिकल, यानी कि इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है, इसमें कोई तथ्य ही नहीं है कि साहब नेबर्स के साथ आप ट्रेड ना करें। नेबर्स के साथ तो आपको ट्रेड करनी ही चाहिए, करनी ही पड़ेगी। अब दोस्तों दो तीन चीजें हैं जो मैं आज आपको बताऊंगा। ये बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान को हम ना भूलें। हम लोग ईरान, इजराइल, हमास, हिजबुल्ला, यूक्रेन, रशिया, इनको तो कवर कर ही रहे हैं, लेकिन बगल का जो नासूर है आप उसको कैसे भूल सकते हैं, राइट? अब देखिए बात यह है कि भारत और पाकिस्तान की ट्रेड कब सस्पेंड हुई। भारत और पाकिस्तान की ट्रेड सस्पेंड हुई है 8 अगस्त 2019 को। 8 अगस्त 2019 को क्यों हुई? क्योंकि 5 अगस्त 2019 को भारत ने 370/35 से रिवोक कर दिया। इमरान खान गुस्सा हो गए, उस समय वही वजीर आजम थे पाकिस्तान के, गुस्सा हो गए, हटाओ कोई भारत से ट्रेड नहीं होगी। कुछ समय के बाद उनको ऐसा लगा कि नहीं यार ये तो गड़बड़ हो गई, तो उनके एक मंत्री ने चुपचाप से बोला कि जनाब ऐसा काम करते हैं कि भारत के साथ ट्रेड शुरू करते हो, यहां पर जूते पड़ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, यू टर्न लिया उसके ऊपर। जबकि बाद में मंत्री ने बोला कि यार इमरान खान ने हां बोल दी थी, तभी तो मैंने जाके मीडिया से बात करी। फिर इमरान खान ने बोला नहीं इसको तो पुशबैक बहुत ज्यादा है, चलो इसको हटाओ पीछे, यू टर्न लो। आज की तारीख में पाकिस्तान में हर एक किस्म की प्रॉब्लम है। आटे की लाइनों में लोग एक दूसरे का कत्ल कर रहे हैं दोस्तों, एक दूसरे के ऊपर पैर रख के जा रहे हैं। हालात बहुत खराब है पाकिस्तान के, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये जो ट्रेड की बात करी मोहम्मद औरंगजेब ने, उसके बारे में भी मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। ये है क्या मैटर ट्रेड का यार? देखिए साहब, 1996 में भारत ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का, यू नो दे सेड कि यू आर मोस्ट फेवर्ड नेशन, हमने आपको दिया है। पाकिस्तान ने भारत को कभी नहीं दिया मोस्ट फेवर्ड नेशन का। अब ये मोस्ट फेवर्ड नेशन होता क्या है? मोस्ट फेवर्ड नेशन इज दैट कि हम जिस भी देश के साथ ट्रेड करेंगे, हम कॉमर्स करेंगे, एवरीबडी हैज टू बी प्रोवाइडेड द सेम अपॉर्चुनिटीज। अगर हम एक कंसेशन किसी को दे रहे हैं तो दूसरे को भी वही कंसेशन देना पड़ेगा। आप किसी के लिए ज्यादा, यू नो यू कांट से दैट आई एम फेवरिंग दिस कंट्री ओवर दिस कंट्री। तो MFN आपने दे दिया कि मोस्ट फेवर्ड नेशंस के अंदर जो हैं उनमें सबको बराबर बराबर देना पड़ेगा। पाकिस्तान ने कभी भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन नहीं दिया। फिर पाकिस्तानी जाके बकवास भी करते हैं, ये कौन पूरी ऐसी बकवास करती है कि भारत ने ट्रेड बंद कर दी। सबसे पहले MFN की बात होनी चाहिए। मुझे लगता है कि भारत को MFN देना ही नहीं चाहिए था, रेसिप्रोकल होना चाहिए था, हम आपको MFN दे रहे हैं आप हमें दो। पाकिस्तान ने कभी दिया नहीं, और पाकिस्तान ने क्यों मोस्ट फेवर्ड नेशन नहीं दिया भारत को? इसलिए नहीं दिया दोस्तों क्योंकि उनको लग रहा था कि साहब हम कश्मीर का गाना गाएंगे, हम कश्मीर का गाना गाएंगे, कश्मीर का गाना बजाएंगे और यह बोलेंगे भारत को कि हम तुम्हें MFN तब देंगे जब तुम कश्मीर पर बातचीत करोगे और कश्मीर का मसला सॉल्व करोगे। यह पाकिस्तान का हर समय एक पॉइंट ऑफ व्यू रहा है, और यह कितना घटिया पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि पाकिस्तान के
फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब ने ये कहा है कि ट्रेड विद नेबर्स जो नेबर्स हैं उनके साथ ट्रेड ना करना इलॉजिकल है, लेकिन इसको देखा और समझा इस तरह जा रहा है कि शायद उन्होंने ये कहा है कि ट्रेड विद नेबर्स इज इलॉजिकल। नो, अच्छा मैं आपको एग्जैक्टली बताती हूं कि उन्होंने कहा क्या है। नो ट्रेड विद नेबर्स इलॉजिकल, तो इसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया से ट्रेड चाहते हैं। अब आप कहेंगे कि उन्होंने तो भारत का नाम ही नहीं लिया, तो भाई जब आप नेबर्स की बात करते हैं ना तो आप समझ लें कि आप बात कर रहे हैं इंडिया की, ठीक है ना। आप समझते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया में अगर नेबर्स का नाम लिया जाएगा तो उसका मतलब क्या है। अच्छा, अब उनसे ये सवाल किया गया था इंडिया के साथ ट्रेड पर, उनसे सवाल किया गया था, तो उन्होंने कहा कि नो ट्रेड विद नेबर्स, इसकी कोई सेंस नहीं है, ठीक है। उसमें उन्होंने क्या कहा आपके सामने रखती हूँ। उनका कहना था कि नो ट्रेडिंग विद योर नेबर्स डज नॉट मेक सेंस, फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब सेड, जबकि उनसे एक सवाल किया गया कि जो रीजनल ट्रेड है उसके बारे में उनका क्या ख्याल है, तो उसके पर उन्होंने कहा कि हम जो अपने नेबर्स हैं उनके साथ इन टच हैं या ऑलरेडी एंगेजिंग विद इट्स नेबर्स, पाकिस्तान की बात करें वो कंट्री की अपने, और साथ में उन्होंने कहा कि हमने अभी SCO करवाई है और जियोपॉलिटिकल इश्यूज जो हैं वो दे आर अफेक्टिंग रीजनल ट्रेड वर आउटसाइड हिज परव्यू, और फिर कहा पाकिस्तान वाज ऑलरेडी एंगेजिंग विद इट्स नेबर्स। अच्छा, पहले तो मेरा सवाल ये होगा कि इन्होंने जो ये फरमाया कि पाकिस्तान ऑलरेडी एंगेजिंग विद इट्स नेबर्स, तो ये कहाँ पर हो रहा है बताइएगा जरा, ये कहाँ पर हुआ, कैसे हुआ। अच्छा, समटाइम्स मुझे लगता है कि हम ना खुद कलामी करते हैं, हर थोड़े दिन के बाद ना खुद कलामी सामने आती है, या फिर जो कंधों पर फरिश्ते बैठे हुए ना, ठीक है ना, जो बचपन से हम सुनते चले आए हैं, तो कंधों पर बैठे हुए जो फरिश्ते हैं या तो उनसे ही बात करते रहते हैं हम, और या फिर हम खुद कलामी करते हैं अपने आप से। खुद कलामी कहते हैं अपने आप से बात करना कि हाँ जी इंडिया से ट्रेड करनी चाहिए, नहीं देखे ना क्या हालात है, इंडिया से ट्रेड कैसे हो सकती है। मेरा ख्याल है कि इंडिया से ट्रेड ना करना सही बात नहीं है। कैसे सही बात नहीं है, इंडिया हमें क्या क्या कुछ कहता रहता है, ये इस किस्म की चीज़ें चलती रहती है। मुझे लगता है हम आपस में अपने या तो फरिश्तों से बातें करते रहते हैं या खुद कलामी करते रहते हैं, क्योंकि आपने जो थंबनेल पर इस वक्त पिक्चर देख रहे हैं आप, जो मेरा थंबनेल है उसमें आप देख रहे हैं कि औरंगजेब साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि ट्रेड ना करना नेबर्स के साथ इलॉजिकल है, तो साथ में जो इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर हैं मिस सीतारामन वो कह रही हैं कौन सी ट्रेड, ये उन्होंने नहीं कहा। ये हम कह रहे हैं कि क्या आप मुझे ये बताएं कि कभी इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा है कि पाकिस्तान से ट्रेड करनी चाहिए। ये मैंने इसलिए कौन सी ट्रेड लिखा कि वो कैसे करके पूछ रही कौन सी ट्रेड, आपने कभी सुना है? बल्कि ट्रेड की क्या बात, आप छोड़ें कि इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं सीतारामन वो कैसे बात करेंगे ट्रेड की पाकिस्तान से, उन्होंने तो कभी पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया, मैंने तो कभी आज तक उनके मुंह से जो है नाम नहीं सुना। अच्छा, वैसे औरंगजेब साहब जो है ना, वो जो नए ये मिनिस्टर हैं आप, ये काफ़ी डिसेंट टाइप के, यानी इससे पहले हमने ये देखा कि काफ़ी ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो बातें बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बड़ी ही बड़ी बड़ी बातें होती हैं वहाँ पर, मतलब कि जमीन और आसमान के कलाबे मिला दी। पाकिस्तान के पास कुछ है ही नहीं ट्रेड करने के लिए। अभी अभी हमने आपको बताया था कुछ दिन पहले कि 2,16,000 गधे भेजे हैं, ये तो इनकी औकात है यार, ये गधे भेज रहे हैं चाइना को, ये गधे एक्सपोर्ट कर रहे हैं और फिर ये ट्रेड की बात कर रहे हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, देखो कल परसों की खबर हमने आपको बताई थी, ये 2,16,000 गधे एक्सपोर्ट कर रहे हैं चाइना, ये आपको पता है, डन। दूसरी चीज, मोहम्मद औरंगजेब ट्रेड की बात कर रहा है, गधे एक्सपोर्ट का ऑर्डर साइन करके आया और यहां पे भीख मांगने आया और बात कर रहा है ट्रेड की, आप समझ रहे हैं, भारत के साथ ट्रेड करने की ऑप्शन है ही नहीं, ऑप्शन है ही नहीं। क्यों नहीं ऑप्शन है यार, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों, जब 2019 में भारत ने यह विड्रॉ करा मामला, राइट, जब पुलवामा का अटैक हो गया और 40 भाई हमारे CRPF की वीरगति को प्राप्त हो गए, उसके बाद भारत ने बोला नो, 14 फरवरी को अटैक हुआ, 15 तारीख को हमने विड्रॉ कर लिया 15 तारीख को विड्रॉ। अब देखो 15 तारीख को विड्रॉ कर लिया, पाकिस्तानी मीडिया में ऐसा मातम मन गया, ऐसा हल्ला हो गया कि जैसे भारत ने कोई पाकिस्तान के अधिकार की चीज छीन, अरे भाई हमने दी थी, हमने वापस ले ली, तुमने तो दी नहीं थी भिखारियों, तुमने कभी दी थी, तुमने नहीं दिया था हमें MFN का स्टेटस, हमने तुम्हें दिया था और हमने छीन लिया। खैर, अब दोस्तों इसके बाद पाकिस्तान ने एज यूजुअल अपना विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, इस्लामोफोबिया विक्टिम कार्ड, भारत का ये भारत का वो, पूरा ड्रामा इन लोगों ने रचा, भारत को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद भारत ने, राइट, पुलवामा के बाद भारत ने इनके ऊपर बालाकोट और कर दिया, किलस गए बहुत बुरी तरीके से। अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूं दोस्तों, भारत की इकोनॉमी
तकरीबन उस समय राउंड 2.7-2.8 ट्रिलियन की थी, 2.7-2.8 ट्रिलियन के आसपास की थी भारत की इकोनॉमी 2019 में, जब भारत ने पाकिस्तान से टाटा बाय बाय बोला था। ठीक है, एक तो एमएफएन भारत ने हटा दिया, दूसरा पाकिस्तान ने भारत से बोला कि हम तुम्हारे साथ ट्रेड नहीं करेंगे, वो उन्होंने करा अगस्त में जाके। ठीक है, जब भारत ने 370-35 से हटाया था, उसके बाद तो पहले हमने एमएफएन वापस ले लिया अपना जो हमने दिया था, क्योंकि पाकिस्तान ने तो दिए नहीं था, कह रहे नहीं वे, और फिर बाद में उसी साल पाकिस्तान ने बोला ट्रेड बंद करो। दोस्तों, तो जब 2019 में पाकिस्तान के साथ पूरा ट्रेड और कॉमर्स का मामला बंद हुआ अगस्त में, तो भारत की जो जीडीपी थी दैट वॉज 2.7-2.8 ट्रिलियन US डॉलर्स, आज की तारीख में 4 ट्रिलियन क्रॉस कर गई है, इट इज क्रॉस 4 ट्रिलियन। तो अब आप बात बताइए कि क्या भारत को पाकिस्तान की जरूरत है ट्रेड के लिए? डज इंडिया एक्चुअली नीड पाकिस्तान? तो दोस्तों, जब से भारत हटा है इस पूरे ट्रेड और कॉमर्स के मामले, पाकिस्तान से रिश्ते टूटे हैं, चाहे पाकिस्तान नहीं तोड़े हो, भारत को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। पाकिस्तान पनौती है, वो 2019 में वो पनौती हट गई तो भारत ने तरक्की करी, और मैं तो यही बोलूंगा यार, पाकिस्तान से जितना दूर रहो भारत की उतनी तरक्की होगी। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने इंटरनेशनली खड़े होकर एक सवाल के जवाब में जब उनसे पूछा गया ट्रेड का अबाउट इंडिया, तो उन्होंने खुल्लम खुल्ला इंटरनेशनली कह दिया कि इंडिया के साथ ट्रेड ना करना इलॉजिकल है, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। उन्होंने ये भी कहा कि हम नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ अपने ताल्लुकात को बढ़ाना चाहते हैं, ट्रेड को फ़रोग देना चाहते हैं। 2019 में कश्मीर का मुद्दा दरमियान में रख कर इंडिया के साथ तमाम के तमाम रिश्ते नाते ख़त्म कर दिए गए थे, सबसे पहले ट्रेड को खत्म किया गया था, लेकिन उसके बाद काफी ज्यादा अभी तक हम देख रहे हैं कि रोना धोना चालू है कि ट्रेड को बहाल किया जाए। पहले नवाज शरीफ जो कि पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि हम मजीद 75 साल नहीं अब अपने खराब करना चाहते, हम ट्रेड को अपने ताल्लुकात को इंडिया के साथ बेहतर करना चाहते हैं। अब फाइनेंस मिनिस्टर ने यह स्टेटमेंट दी है, एक तरफ भी कहा जाता है कि हमने ग़ज़वा हिंद लड़नी है, दिल्ली के अंदर जाकर पाकिस्तान का झंडा गाड़ना है, तो पाकिस्तान की आवाम क्या चाहती है कि ट्रेड हो या फिर दिल्ली के अंदर जाकर झंडे गाड़े? मेरा ख्याल है कि नहीं करनी चाहिए इंडिया के साथ, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का कभी भी कंपैरिजन नहीं हो सकता, किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता इंडिया और पाकिस्तान का। देखिए, उधर इंडिया बैठ के तरह तरह के इल्ज़ाम हमारे पाकिस्तानियों पे लगा रहा है कि पाकिस्तानी की हरकतें नहीं ठीक, पाकिस्तानी के रस्म रिवाज नहीं ठीक, पाकिस्तानी ये, कुछ भी हो जाए, अगर हमारे पाकिस्तान का एक कबूतर तक दूसरे ममालिक चला जाए, वो कहते हैं कि पाकिस्तान का ही आया, चुगल करने आया होगा इनका कबूतर भी। ऐसी ऐसी बातें करने को सुननी है, ऐसी नहीं करते हम, नहीं करते पाकिस्तान के अंदर ना, इधर लाहौर के अंदर स्मॉग बहुत ज़्यादा हो रही है, हमने कहा ये सारी इंडिया की कारस्तानी है, तो फिर ये तो फिर दोनों तरफ से है ना फिर ऐसे। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इतनी तरफ से बातें हमारी होती जितनी तरफ इंडिया करता है पाकिस्तान के खिलाफ। कभी भी मैंने नहीं सुना कि इंडिया ने पाकिस्तान की किसी भी किस्म में वो तारीफ की हो, कभी भी नहीं सुना मैंने। हमने हरकतें अच्छी की हैं, मतलब किस चीज़ की तारीफ करें अपना? वो आपके पास बिल्कुल ठीक है, हमारी हरकतें अच्छी हों या ना हो वो हमारे पाकिस्तान का मैटर है, वो हमारे पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन अगर हमारे पाकिस्तान का कोई भी फ़र्द किसी दूसरे ममालिक में जाता है, वो उसी वक्त कहते हैं कि ये पाकिस्तानी आवाम है, इसको हमने अपने ममालिक में नहीं रखना, इसको जल्दी से इसके ममालिक भेज दो। तो वो सिर्फ इंडिया नहीं ना, पूरी दुनिया कहती है, तो पूरी दुनिया कहती है, तो इंडिया कौन सी कम है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही मोहम्मद औरंगजेब क्या चाह रहा है भारत से, क्या चाह रहा है, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। तुमने पूरा सीपैक बना दिया, चाइना कहता है हमने 60-65 अरब डॉलर चाहे उसके हाफ डाला हो, तुमने आधा खा लिया हो, अलग चीज है, लेकिन चाइना ने इन्वेस्ट तो करा है। तो यार, ये जो तुम्हारी शहद से मीठी और हिमालय से ऊंची है दोस्ती चाइना के साथ, क्या वो तुम्हें प्याज और टमाटर नहीं दे सकते? तुम्हें क्यों चाहिए भारत? और बार बार तुम भारत के साथ, क्या मैं पाकिस्तानी हूं आपसे पूछता हूं, क्या कभी वंस आपने सुना है भारत से किसी को बोलते हुए कि यार पाकिस्तान के साथ ट्रेड होनी चाहिए? आपने सुना है? जबकि हम लोगों ने आपको मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दिया था, हम लोगों ने दिया था 1996 में, आप लोगों ने कभी नहीं दिया। आप लोगों ने कभी इतनी तमीज नहीं थी कि भैया एक एमएफएन का स्टेटस दे रहा है तो हमें भी देना चाहिए। कश्मीर कश्मीर, अब कहां गया कश्मीर? पूछो मोहम्मद औरंगजेब से, नाम तो इतना लंबा चौड़ा है उसका औरंगजेब टाइप का, इससे पूछो कहां गया कश्मीर, बेच दिया तुम लोगों ने। बिक गया कश्मीर, आज क्यों ट्रेड की बात कर रहे हो कि इट इज नॉट एन ऑप्शन, वी मस्ट ट्रेड? क्यों ट्रेड की बात कर रहे हो?
इमरान खान ने तो बड़ी बड़ी बातें करी थी यार कि जब तक 370 पैंते, उसको पता ही नहीं इमरान खान को 370 पैंते से, आप मैं पाकिस्तानियों से मैं बता रहा हूं सबको इकट्ठा करो 23-24-25 करोड़ जितने भी हैं इनको इकट्ठा करके इनसे पूछो 370 पैंते से जिसके लिए तुम छाती पीटते है क्या, 99.9% विल नॉट नो व्हाट 370-35 इज। भारत के आईन का हिस्सा था, भारत ने स्वेच्छा से अपनी खुशी से उसको डाला, अपनी खुशी से निकाल दिया, टेम्पररी प्रोविजन था। तुम्हारा क्या लेना देना उससे यार, तुम्हारा क्या लेना देना है उससे? मैं मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, कल यौम सिहा पता नहीं क्या क्या ड्रामा, पता नहीं कौन से अरबी के वर्ड ये लोग यूज करते हैं, वो मना रहे थे पाकिस्तानी, छाती पीट रहे थे कि 27 तारीख 27 अक्टूबर को ये हुआ कि इंडियन फोर्सेस कश्मीर में लैंड हुई, हमारा दिल बड़ा दुख रहा, ये सब ड्रामा करते हो तुम लोग, क्या करते हो तुम कश्मीर के लिए? एक बात बताओ, एक चीज बताओ जो तुमने अपने सो कॉल्ड आजाद कश्मीर, सो कॉल्ड पीओके गिलगित बाल्टिस्तान के, तुमने एक काम बताओ, बताओ तुमने ये काम करा है, बताओ मुझे, लिखो कमेंट्स में कि साहब हमने ये करा है, हमने वहां पर एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बना दी, हमने एक ऐसा अस्पताल बनाया कि आप देखोगे आपको मजा आ जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप बताओ ना, बकवास करते हो पूरी की पूरी, हद ही हो गई यार मुझे ना ये। आप ये देखो, परसों साइन करता है कि 216,000, यही मोहम्मद औरंगजेब, 216,000 गधे हम चाइना को देंगे, गधे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, डोंट मिस द ह्यूमर इन दिस, गधे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे ही गधे का ऑर्डर साइन करता है, फट से जहाज पकड़ के अमेरिका जाता है आईएमएफ से भीख मांगने के लिए। गधा एक्सपोर्टर भीख मांगता है और भारत को कह रहा है कि यार नॉट ट्रेडिंग इज नॉट एन ऑप्शन, अब ट्रेड तुम्हारे पास है क्या, हमें तो गधे नहीं चाहिए, हमें गधे नहीं चाहिए, इसलिए तो बंटवारा हुआ देश का, क्योंकि हमें गधे नहीं चाहिए भाई, हमें नहीं चाहिए, वी डोंट नीड डोंकीज, दैट इज वाई द पार्टीशन ऑफ इंडिया टुक प्लेस, बिकॉज वी सेड वी डोंट नीड डोंकीज, हमें नहीं चाहिए गधे। और बताओ तुम्हारे पास क्या है देने को, तुम क्या बनाते हो? एक बात बताओ पाकिस्तानियों, तुम चाहते हो भारत के साथ ट्रेड करो, तुम बनाते क्या हो ये समझाओ मुझे कि मेजर साहब हम ये चीज बनाते हैं जो भारत में नहीं है, कुछ है नहीं तुम्हारे पल्ले, हैं ट्रेड चाहिए भारत से,